यार बड़ी अजीब सी उम्र है ये, न जवान है न बूढ़े हुए हैं। आत्मा वर्कआउट मांगने लगी है पर शरीर कहता है कल से पक्का करेंगे। शाम 4 बजे के बाद की कॉफ़ी रात पर सोने नहीं देती है, 6 बजे के बाद की चाय एसिडिटी कर देती है। समोसे को देखकर बस छोटी सी पपड़ी खाकर ही काम चलाना पड़ता है, और मिठाई का भी अब पीस नहीं लेते, टुकड़ा लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बूढ़े हो गए, जिस दिन नाई से मिलते हैं चेहरे पर अगले 3 दिन तक अलग ही चमक रहती है। दारू भी हफ्ते में 1-2 बार हो गई है, पहले महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते थे, अब खरीदने का मन नहीं होता है। जो चल रहा है चलने देने वाली मानसिकता अब परमानेंट बनने लगी है, डर अब कम लगता है, न सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर है न फेल होने का। जीवन अब सहवाग की तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले तरीके की जगह राहुल द्रविड़ के बॉल छोड़ने और स्ट्राइक रोटेट करने के तरीके से गुजर रही है। अच्छी बात यह है भाई, अभी आउट नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं, राहुल द्रविड़ के तरह ही एक बार और उतरेंगे जीवन की आखिरी पारी एक बार खेलने, और लगातार 3 छक्के मारेंगे और बताएंगे कि मार सकते थे लेकिन जिम्मेदारियां भी थी जो निभानी थी। क्रेडिट जिसने लिखा है उसको, सब धन्यवाद। वाह क्या बात है।